हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगजीत एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। सो जैसे आपको पता है कि डेली हम आपके लिए 2 से 3 नोटिफिकेशन लेके आते हैं, स्पेशली जो टेक्निकल बीटेक बीई एंड डिप्लोमा आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ओके, तो आज भी एक नई नोटिफिकेशन है और एक नोटिफिकेशन अपलोड हो चुकी है सुबह। ओके, तो उसको भी आप देख लो जाके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का बटन लगा होगा, सो दैट नेक्स्ट जो भी अपडेट आती है गेट के रिलेटेड, अब बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं कि एमएस में एडमिशन कहां पे होने वाला है, एमटेक में एडमिशन कहां पे होने वाला है, पीएचडी में कहां से होने वाला है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन गेट के क्वेश्चन जो भी गेट के रिलेटेड है आपको योर पीडिया एजुकेशन के ऊपर मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो बेल आइकन एंड सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो आज का नोटिफिकेशन है वो है डीएमआरसी से रिलेटेड एंड डीएमआरसी से गेट 2019 के थ्रू यहां पे अपॉइंटमेंट्स और वी कैन से वैकेंसीज आई हैं। अब क्या वो वैकेंसीज हैं, क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट है, क्या स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट है, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हियर यू कैन सी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो एडवर्टाइजमेंट जो आई थी आपके पास 15th of January 2020 को एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये फॉर डीएमआरसी मुंबई एंड पटना प्रोजेक्ट। तो जो इनका मुंबई एंड पटना के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी के अंदर डीएमआरसी का रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स का, असिस्टेंट मैनेजर का, तो उसी के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं हु हैव क्वालिफाइड गेट 2009 एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन डीएमआरसी प्रोजेक्ट इन द बॉम्बे एंड पटना ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 2 ईयर। तो अगर आपने गेट 2019 क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। गेट 2018 वाले भी नहीं एंड 20 वालों के लिए भी यहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पे। ओके, नाउ असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है सिविल के लिए एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 35। ओके, आउट ऑफ विच 18 अनरिजर्व, 8 ओबीसी, 3 एससी, 3 एसटी एंड 3 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो 10% कोटा है आपके पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन बीई और बीटेक सिविल फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एंड यहाँ पे एंड लिखा मतलब ये भी रिक्वायर्ड है। ओके, मस्ट हैव अपीयर्ड और क्वालिफाइड। तो गेट अगर आपका क्वालिफाई है सिंपली तब आप अप्लाई कर दो, कोई इसमें वो नहीं है कि सर इतने नंबर होने चाहिए, मेरे को कॉल आएगा कि नहीं। एंड पे स्केल की बात करें तो 50,000 से लेके 1 लाख एंड 60,000 तक है एंड अपर एज लिमिट ऑन 1st of January आपकी, अगर 28 ईयर से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ यहां पे देख सकते हैं आप लोग द डिग्री जो फुल टाइम होनी चाहिए और सीई पेपर का मीनिंग क्या है, जो गेट में सिविल का कोड होता है उसकी बात कर रहा है ये, एंड एज रिलैक्सेशन जो मिलेगी आपको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, नाउ जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखिए कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा इसके अंदर। द जॉब प्रोफाइल एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेरियस मेंटेनेंस सिस्टम प्रोसेसिंग इन कनेक्शन विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो ट्रेन ट्रैक्स वर्क्स एक्सेट्रा, ऑल्सो फॉर इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूशन एंड वेरियस सिस्टम्स इन डीएमआरसी प्रोजेक्ट्स बेसिकली एक्सेट्रा। ओके, तो ये कुछ जॉब की आपके पास है एंड पोस्टिंग कहां पे होगी इसकी, आइदर एट मुंबई और पटना के अंदर। ओके, एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं जो कि कैंडिडेट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख सकते हैं 3 यहां पे मेथोडोलॉजी है और वी कैन से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 इन सिविल इंजीनियरिंग जो गेट वाला पेपर है उससे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। देन आपके पास ग्रुप डिस्कशन एंड और अगर रिक्वायर्ड है पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड लास्ट में आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, और अगर आप इन तीनों स्टेप्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। ओके, नाउ यहां पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड क्या इसकी वेबसाइट है। और यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, गेट 2019 को 70% देगी, टोटल जो आपका मेरिट बनेगा फाइनल मेरिट उसमें 70% गेट। तो गेट क्वालिफाई वाले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, एंड इंटरव्यू की बात करें तो 30% अगर नहीं होता है तो ग्रुप डिस्कशन के लगा लेंगे यार। ओके, नाउ यहां पे देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इसमें बॉन्ड भी आपको एक 3 लाख रुपए का बॉन्ड एक फिल करना पड़ेगा सो दैट आपका जो इसके थ्रू आप इसको छोड़ के ना जा सको 2 ईयर के लिए जो है। ओके, और अगर हम लोग बात करें पे की तो द पे एंड एमुलेशन फॉर अबव पोस्ट शुल एज पर रिस्पेक्टिव ऑफ पे स्केल अंडर द आईडीए। ओके, इंडस्ट्रियल डीए के अकॉर्डिंग जो पे स्केल है वो आपको मिलेगा, उसके अलावा जो आपको ये एचआरए वगैरह जो और कुछ सहूलतें हैं वो मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन। तो 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ था एंड
4 ऑफ फेब को आप अप्लाई कर सकते हो एंड dellymetro.com/career.aspx के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो ना। आप यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है, द ग्रुप डिस्कशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू वुड बी हेड इन द मंथ ऑफ फेब। तो फेब के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन और अगर पर्सनल इंटरव्यू है वो होता है और कहां पे होगा वो भी आपको देके रखा है यहां पे दिल्ली के अंदर। एंड यहां पे देख सकते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस आपको 3rd AC का मिलने वाला है एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अपियर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन दी 7 डेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो बहुत अच्छी न्यूज है, वैकेंसीज भी अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे आपके पास, 35 वैकेंसी जिन्होंने गेट 2019 दिया था। तो कल भी मैं आपके लिए लेके आया था, तो सिविल वाले PGCIL के लिए पावर ग्रिड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, DMRC के अंदर गेट 2019 ही रिक्वायर्ड था उसके अंदर भी। तो इसका मीनिंग यहां पे दो आपको 2 दिन के अंदर गेट के थ्रू वैकेंसीज मिल चुकी है। तो आई होप जो हमारी जो मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करो एंड इसके लिए रखते हैं व्यूज 10K व्यूज रखते हैं कि यहाँ पे आप दिलवा पाते हो कि नहीं, बाकी आपके ऊपर है। गुड लक एंड आपका बढ़िया जाए पेपर गेट 2020 वाला। थैंक यू फ्रेंड्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।